कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। लोहे के मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो लोहे के बाजारों में कल के दिन नरमी के साथ कामकाज देखा गया। जो इंगट का लेवल 43,000 तक पहुंच चुका था, उसमें बाजारों में कल के दिन 100 से 200 रुपए तक की गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार दर्ज किया गया है। इंगट के मार्केट में दोबारा से जो लेवल है एमएस इंगट का, वो आज सुबह बाजार खुलने के साथ 42,700 से लेकर 800 के बीच एमएस इंगट में देखा जा रहा है। अब इंगट के लेवल में जो नरमी दर्ज करी गई है, उस चीज को देखते हुए होलसेल का जो मार्केट है, नए पुराने लोहे का जो मार्केट है, यहां पर भी हल्की नरमी के साथ ही कारोबार देखा गया है। रेट के बारे में बात करते हैं। नए लोहे में रेट 51 रुपए पर किलोग्राम, पुराने लोहे कीमतें 30 रुपए पर किलोग्राम चल रही हैं। ट्रेंड जो है वो आपको फ्लैट ही देखने को मिल सकता है। हल्की नरमी है और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी रेंज में, लॉन्ग जो रेंज होती है उसमें कारोबार आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि लोहे के मार्केट में एक शॉर्ट टर्म की रेंज में, छोटी रेंज में कारोबार रहेगा। 100 से 200 रुपए तक की बढ़त और 100 से 200 रुपए तक की गिरावट के साथ ही आपको कामकाज देखने को मिल सकता है। रेट अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर हैं अगर आप, तो बाजारों में गिरावट पर आप यहां से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।